जिसकी आंखों में सावन झड़ी है, तेरी राहों में कब से खड़ी है, कितनी सदियां बुलाती है जिसको चाहे सिर्फ तुझको, कितने टुकड़ों में बट कर पड़ी है फिर भी कदमों पे खड़ी है, और कैसी दुख की घड़ी है। मैंने अब अपने बच्चे महंगे स्कूलों से निकाल के सस्ते स्कूलों में दाखिल नहीं करवाने, अगर ऐसा हुआ तो ये ठीक नहीं होगा। तुझे क्या जरूरत पड़ी इजाजत लेने की? हर क्या वो इजाजत लेता है तुझसे काम करने से पहले? शौहर है वो मेरा, अब मैं अपनी जिंदगी का हर फैसला हर काम उसकी इजाजत के बगैर नहीं कर सकती। क्या हुआ क्या रे? ये मैं हूँ जवान, तुम्हारा शौहर। एक बात रह गई थी, वही कहने के लिए आया हूं। नैना, मैं बहुत बदल गया हूं, मैं पहले वाला जवाब नहीं रहा। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मुझे मेरा बच्चा नहीं मिला ना, तो मैं इस घर की ईंट से ईंट बचा दूंगा। अगर मुझे मेरी खुशी नहीं मिली ना, तो मैं तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की सारी खुशियां छीन लूंगा। इसको धमकी नहीं समझना, मैं ऐसा कर गुजरूंगा। तुम यहीं ठहरो जवान, मैं तुमसे बात करती हूँ, जाना नहीं कहीं भी। अम्मा, क्या हुआ आपी, सब खैरियत है ना? जब वहां आके मां, हाय मेरे अल्लाह, मैं जो जान जाजे के बात करना, मैंने रोका उसे। मैं बात करती हूं, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। चले बन जल्दी से, चल चले जल्दी जल्दी आपसे बात करते हैं। कहां है जवाब? यही कहीं होगा, देखो कहां चला गया। यहां तो दूर दूर तक कोई नहीं आपी। कहा भी था, रोका भी था, मैंने हमारे मन में बैठे चला गया वो। हमारी जिंदगी अजाब करने आया था और कुछ भी नहीं। अच्छा, परेशान मत हो आप लोग, सब ठीक हो जाएगा। चले अंदर चल के बात, चला अंदर चलना। कोई नहीं जानता उसको, उसके बदले को सिर्फ मैं जानती हूँ। वो बदला लेने पर है ना, सब कुछ तबाह कर देता, सब कुछ बर्बाद कर देगा, उजाड़ देगा वो मुझे। कुछ नहीं होगा आपी, परेशान मत हो आप। मैं तो ये सोच रही हूँ, खुदा ना खास्ता अगर जवाब के होते हुए अख्तर आ जाता तो क्या होता? इस घर की तो हिंद से ही बजा देता वो, तो किसी को भी ना छोड़ता, तो किसी भी तरह से गुंडे को मना लेना, हम जो उसके हवाले कर देंगे ना। ये कैसी बातें कर रही हो आप? क्या मतलब है, मेरे को सी गलत बात की? सही तो कह रही हूँ मैं, क्यों माँ? हाँ इमन, नैना ठीक कह रही है। देख, मुझे लगता है जैसे तेरी जिंदगी में जो मुश्किलें पैदा हो रही हैं वो सब गुड्डू की वजह से हो रही है। उसे जवाब के हवाले करते तेरी जिंदगी में आसानी हो जाएगी। क्या हो गया माँ आप लोगों को? मुझे मेरी जिंदगी में मेरी आसानी की फिक्र नहीं है। गुड्डू मेरा बेटा है, माँ बन के पाला है मैंने उसे, और मैं उन माओं में से नहीं जो किसी के खौफ से अपना बच्चा उसके हवाले कर दे। मैं ऐसा कभी नहीं करता।
कितनी सदियां बुलाती है जिसको वो चाहे सिर्फ तुझको इतने टुकड़ों में बट कर पड़ी है फिर भी कदमों आज जल्दी रिकॉर्डिंग खत्म हो गई आपकी? हाँ, 5 सीन्स हुए बस। अच्छा हुआ। वैसे भी 4-5 सीन से ज्यादा होना भी नहीं चाहिए था। होने तो नहीं चाहिए लेकिन प्रोड्यूसर चाहता है कि 10-12 सीन्स हो वरना शोर करता है सर पकड़ के हमारा दिमाग खाता है। अच्छा खाना लगवा दूं? नहीं मैं फ्रेश हो जाऊं उसके बाद बताऊंगा। असजद मैं आपसे कहना चाह रही थी आपकी बात हुई ट्रेवल एजेंट से अब तो गुड्डू वाला मामला भी हल हो गया है आप दोबारा से बुकिंग करवा लें कितना दिल था आपका अब मैं भी जाना चाहती हूँ आपके साथ शादी के बाद हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मौका ही नहीं मिला पहले दावतें और फिर आपकी रिकॉर्डिंग्स तो क्यों ना हम इस बार इनफैक्ट मैं तुमसे बात करने के लिए आई एम सॉरी असद मैं जरा गुड्डू को देख के हो गई है तुझे सुनाई नहीं देता कब से मैं दरवाजा खटखटा रहा हूँ क्या कर रही थी तू बच्चों को सुला रही थी बच्चों को सुला रही थी चल खाना दे जल्दी नाराज है मुझसे नहीं मैंने क्यों नाराज होना तुमसे तो फिर अभी ट्रैवल एजेंट को कॉल करें दोबारा से बुकिंग करवा लें अब तो गुड्डू वाला मामला भी हल हो गया बस आप टिकट्स करवा लें इवन आई एम सॉरी अब अगले 2 महीने तक कम से कम कहीं नहीं जा सकते क्यों लेकिन तुमने ही मुझे मना किया था तुम्हारे कहने पर मैंने ट्रैवल एजेंट को कॉल करके अपने टिकट्स कैंसिल करवा दी मीनवाइल मुझे एक सीरियल की ऑफर थी मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया डिपॉजिट भी ले लिया अब आई कांट बैक आउट देखो मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं ना ही मैंने तुम्हें कुछ कहा है बट अब ये नहीं हो सकता मुझे अपनी कमिटमेंट पूरी करनी होगी हम फिलहाल तो नहीं जा सकते कहीं एनीवेज स्टडी में जा रहा हूँ कुछ स्क्रिप्ट्स पढ़ने तुम सो जाना जिसकी आंखों में सावन झड़ी है तेरी राहों में कब से खड़ी है कितनी सदियां बुलाती हैं जिसको जिंदगी क्यों होती है मकसद क्या है इसका खुशियां मिलें भी तो ऐसा लगता है हर सुबह उदासी रिश्तों को चाहतों को जिंदगी को बैलेंस करना कामयाबी हासिल करने से भी ज्यादा मुश्किल काम
हेमन, हेमन क्या हुआ? हेमन क्या हुआ? हेमन फिर आओ 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 प्लीज बैठो। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है मुझे। बैठो। नहीं मैं ठीक हूँ। कैसे कह रही हो तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम अभी वॉमिटिंग करके आई हो। नहीं कुछ नहीं हुआ। अच्छा चलो आओ डॉक्टर के चलते। नहीं अर्शद मुझे नहीं लगता कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्यों क्यों कह रही हो ऐसा? क्यों नहीं जाना हमें डॉक्टर के पास? प्लीज समझ जाए ना मैं क्या कहूँ आपसे। क्या मतलब है हेमंत? मैं क्या समझ? एक मिनट, क्या क्या तुम वही कहना चाह रही हो जो मैं? आर यू सीरियस? क्या हम वाकई में हम पेरेंट्स? ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस, आई कांट बिलीव दिस, आई एम सो हैप्पी, मुझे इतनी खुशी हो रही है हम दोनों। थैंक यू सो मच हेमंत। चलो आओ डॉक्टर के चलते हैं, टेस्ट तो करवा लें। इस वक्त? हाँ सुबह चले जाएंगे, अभी नहीं। क्यों भाई? मैं सारी रात सो नहीं पाऊंगा। तुम नहीं जानती हो मेरी नींद उड़ गई है, मुझ में सब्र नहीं है, मैं बहुत देर नहीं वेट कर सकता हूँ। प्लीज सुबह चले जाएंगे। फिर अब मुझे इस मौके पर एक मेल शॉविनिस्ट हस्बैंड होने की तरह मैं तुम्हें ऑर्डर देना पड़ेगा। और मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज आ जाओ चलते हैं प्लीज। एक दफा मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगी तो तुम नहीं जानती हो मैं सो नहीं पाऊंगा। चले चलो आप आ जाओ। ध्यान से ध्यान से। मैं सोच रहा हूँ आज तुम्हें तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खिलवाऊं। आई एम सो एक्साइटेड। लेकिन नहीं, एक्साइटमेंट में मैं तुम्हें कुछ ऐसा नहीं खिलवाना चाहता जिसके बारे में डॉक्टर से ना पूछो। नहीं सर कुछ नहीं होता, सब खा पी सकते हैं, मुझे पता है। अरे तुम्हें कैसे पता है? पहली बार है। मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा, डॉक्टर से पूछे बगैर तुम्हें आइसक्रीम नहीं खिलवाऊंगा, बस खत्म। अरे गुड्डू बेटा क्या हुआ है? मेरे कमरे में भूत आई है। ओहो बेटा कुछ नहीं, ये भूत कुछ नहीं होते। मेरे ख्याल में साहब जी और बीबी जी बाहर गए हैं। वो देखो गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आ रही है, चलो बाहर देखती है। आजो, शाबाश, आजो आजो। मम्मा। एक मिनट रुकिए। क्या हुआ गुड्डू? क्या हुआ बेटा? मम्मा छोड़ के कहाँ जा रही है? मैं तो कहीं नहीं जा रही अपने बेटे को छोड़ के, बस एक छोटा सा काम था, अंकल के साथ जा रही थी। मम्मा प्लीज मत जाए मेरे साथ रहे। तुमसे कहा था ना मैंने कि इसको हैंडल कर लेना। मैंने तो इसे चुप कराने की बहुत कोशिश की साहब जी, मगर ये बहुत बुरी तरह से डरे हुए थे, चुप भी नहीं हो रहे थे, बहुत रो रहे थे जी। तुम भी ना चुप कर जाओ बस। अब मेरा बेटा, बेटा ऐसे रोते नहीं है, चुप हो जाओ, चलो शाबाश चुप। मम्मा प्लीज मेरे साथ अंदर चले, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा मैं थोड़ी सी देर में आ जाऊंगी। नहीं मम्मा मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस आपके पास रहना, मेरे साथ अंदर चलिए। बेटा आप ऐसा करो, आप आंटी के साथ अंदर जाओ, जब तक आप बेड के पास जाओगे मामा वापस भी आ जाएंगे, है ना? आप प्लीज मुझे छोड़कर मत जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे साथ अंदर चले। बेटा तो अच्छा, बेटा आप हमारे साथ चल पड़ो ना। नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस मम्मा के पास रहना है। अच्छा रो मत, रो मत, ठीक है?
चलो आओ। तुमसे मैंने कितनी बार कहा था उसे संभाल लेना। हेलो जवाद, बात कर रहा हूँ। मैं अपने बेटे के लिए पागल हो रहा हूँ और मैं इस पागलपन में कुछ भी कर गुजरूंगा। सुन रही हो तुम? जिसकी आंखों में सावन झड़ी है, जिसकी आंखों में सावन झड़ी है, पानी पिला दो, बड़ी प्यास लगी। जी लाती हूँ पानी। ये इतनी रात को किसका फोन आ गया है? किसका नंबर है ये? फोन उठाओ नैना, फोन उठाओ नैना। मेरा फोन काट दिया? जुरत इसकी। वकील बिल्कुल ठीक कह रहा था, बिल्कुल सही किया मैंने मुकदमे के पेपर पर साइन करके। इतनी आसानी से नहीं देगी बच्चा मेरा। फोन काट दिया मेरा, फोन काट दिया मेरा। के पास तो मेरा नंबर नहीं है। फिर करता हूं। हेलो जवाद, बात कर रहा हूं। तुमने इस वक्त मुझे क्यों फोन किया? मेरा नंबर किसने दिया तुम्हें? तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए कि मेरी जहनी हालत क्या है। पागल हो रहा हूं, तड़प रहा हूं मैं अपने बेटे को देखने के लिए, उसको अपनी बाहों में भरने के लिए। पागल हो गए हो क्या तुम? हुआ तो नहीं हूं लेकिन हो जाऊंगा। तुम सोच भी नहीं सकती इन चंद सालों में जिंदगी ने मेरे साथ क्या किया है। दरबदर की ठोकरें खाई हैं मैंने, लेकिन अब नहीं। अब मैं अपने बेटे को अपनी बाहों में लेकर एक पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहता हूं। बस बता जानता तुमने मेरे नंबर पे फोन किया तो ठीक नहीं होगा। धमकी दे रही हो मुझे? धमकी नहीं दे रही हूं, बता रही हूं मैं तुम्हें। परेशान क्यों कर रहे हो तुम मुझे? पहले भी मेरी जिंदगी तबाह कर चुके हो, दोबारा क्यों मेरी जिंदगी में आ रहे हो? आखिर मैंने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा? मोहब्बत की थी, चाहा था मैंने तुम्हें। मैंने जिंदगी तबाह की तुम्हारी? जिंदगी तो मेरी तबाह हुई है। तुम रहने नहीं चाहती थी मेरे साथ, वरना मैं क्यों देता तलाक? तुम मुझे छोड़कर भाग गए थे। तुमने मजबूर किया था मुझे। मेरे साथ रहती तो सही, देखती तो सही। झूठ बोलते हो तुम,
झूठ तुम बोल रही हो, तब भी यही किया था और अब भी यही कर रही हो। अगर तुमने अनिता कभी भी मेरा नंबर मिलाया तो मैं अपना फोन कभी भी नहीं उठाऊंगी। तो कोई बात, तुम्हारे शौहर का नंबर है मेरे पास। क्या? हाँ, सिर्फ 2 दिन का टाइम दे रहा हूं तुम्हें। 2 दिन के अंदर अंदर मुझे मेरा बेटा चाहिए, वरना मैं डायरेक्टली तुम्हारे शौहर से बात करूंगा, समझी? तुम इतने घटिया हो सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। घटिया नहीं हूं मैं, नहीं हूं घटिया, एक बाप हूं जो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को पाना चाहता है, प्यार करना चाहता है। मैं अपने बेटे के लिए पागल हो रहा हूं और मैं इस पागलपन में कुछ भी कर गुजरूंगा। सुन रही हो तुम? कुछ भी कर गुजरूंगा मैं। I'm really sorry यार, मैं पता नहीं मैं कब सो गया, आँख कब लगी मुझे पता नहीं चला। नहीं, I'm sorry। गुड्डू को सुलाने में कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। It's okay। अच्छा अभी चले हम टेस्ट करवाने के लिए? अभी बहुत लेट हो गया, इट्स टू लेट नाउ। जाने का फायदा नहीं है, वैसे भी मैं जो इस वक्त तुम्हारी हालत है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। सुबह सुबह उठूंगा तो तुम्हें सबसे पहले डॉक्टर के लेके जाऊंगा। जाओ सो जाओ, मैं ऊपर जा रहा हूँ सोने के लिए। जख्मों के फूल खिले हैं, खिल गए आधा घंटा पहले तुझे पानी लेने भेजा था, तू क्या कर रही है यहाँ पे? पापा पानी पानी लेने के लिए आई। आधा घंटा लगा दिया तूने उसमें? कूलर में पानी नहीं था ना, तो मैं मोटर चला के भरी थी। ये आवाजें कैसी आ रही थी, तुम किसी से बात कर रही थी? मैं भला क्यों किसी से बात करूंगी इतनी रात में, वो भी। तो तुम पानी लेने आई हो, तुम मोबाइल फोन क्यों साथ लेके आई हो? तो बेध्यानी में ऐसे ही बस
आपको तो पता ही है हर वक्त तो मेरे हाथ में होता है। अच्छा दिखा दे रहा इधर, दिखा फोन। ये ले। और जब मैं तुझे कोई काम कहा करूं ना तो वो जल्दी कर दिया कर, मैं बेशक सो रहा हूं या जाग रहा हूं। जी ला पानी दे। खुदा का शुक्र कि नंबर डिलीट कर दिया था फौरन, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता। तू बात क्यों नहीं सुनती है मेरी, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? वो कितना ढीठ इंसान है, उसके सर में एक दफा एक बात समा जाए ना तो वो कभी उससे पीछे नहीं हटता है, और इस वक्त उसके सर पे सिर्फ गुड्डू सवार है। नहीं तो अमन से बात करना कि वो गुड्डू को वापस कर दे उसको। अम्मा अम्मा वो लेके हासिल करके रहेगा गुड्डू को। अम्मा मुझे क्या करना है गुड्डू से? मैंने तो कभी उसे दिल से तस्लीम ही नहीं किया, मैं तो कभी चाहती ही नहीं थी कि वो इस दुनिया में आए। की तो थी बात, वो सुनती कहां है किसी की? नहीं सुनती है ना वो बात, तो भाई याद रख 2 दिन के अंदर अख्तर मुझे तलाक दे देगा। उसके गुस्से को जानती है ना तू अच्छे तरीके से? यहाँ पे तलाक दे के भेजेगा मुझे, दोनों बच्चों को लेकर तेरे सामने बैठी रहा करूंगी मैं सारा दिन। ठीक है सोचती रहे बैठ के, तेरे सामने ही अपने ऊपर ना मट्टी का तेल डाल के आग लगा लूंगी मैं अपने आप को। फास कर रही है, है? वही बातें कर रही हूँ जो तू सुन रही है। अरे बात तो सुन, अच्छा उसको फोन तो लगा, बात करती हूँ मैं। सीमत उस बस्ती से लेकर इस अमीरों की बस्ती में आगे डिफेंस में पर सुकून ना आया मुझे। हेमंत नीचे उतारो इसको। क्या हुआ है? नीचे उतारो मैं कह रहा हूँ तुमसे। असजद प्लीज नाराज मत हो, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे लिए कुछ नहीं हुआ होगा लेकिन मेरे लिए ये मामला बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट जितना तुम्हारे लिए गुड्डू है। जिसकी आंखों में सावन झड़ी है, जिसकी आंखों में सावन झड़ी है। असजद एक बात समझ नहीं आई मुझे अभी तक। क्या? ये सारे कपड़े आप लड़कियों वाले ले आए, और अगर आपका बेटा हुआ तो? अरे यकीन कीजिए हमारी बेटी ही होगी। क्यों नजूमी हैं आप? नजूमी तो नहीं मैडम, लेकिन सच्चे आशिक हैं हम। और कहते हैं कि सच्चा आशिक जो भी सोचता है जो भी कहता है वो हो जाता है। अच्छा इस तरह तो फिर आप जाने माने बुजुर्ग हुए। हाँ कह सकते हैं आप, लेकिन सुना है कि बीवियां घर के पीर फकीरों को मानती नहीं है। मैं मानती हूँ जनाब। तो फिर मान लीजिए कि हमारी बेटी होगी। अच्छा फर्ज करें अगर बेटा हुआ तो? बेटा हुआ तो क्या हुआ, सारी चीजें रिप्लेस कर देंगे और ये वाली चीजें बाद के लिए रख लेंगे। कैसी लग रही है यहाँ पर ये? अच्छी लग रही। लेकिन क्या कहा आपने दोबारा से, क्या मतलब आपका? मेरी बात सुनिए, हमारा बच्चा अकेला तो नहीं रहेगा ना, अबे उसको कंपनी तो चाहिए होगी ना, वैसे भी मुझे इवन नंबर्स पसंद नहीं ऑड नंबर्स पसंद है, 3, 5, 7, 9। अच्छा ये तो क्या हो गया गुड्डू, ये क्या किया बेटा आपने? सारे कपड़े गंदे कर दिए। एक मिनट अच्छा मैं अभी आई। चलो मैं, ये क्या किया आपने? हाँ सारे कपड़े गंदे कर दिए। अच्छे से कपड़े पहन लिए ना, अब आपने कपड़े गंदे नहीं करने। ओके बेबी हेमंत नीचे उतारो इसको। क्या हुआ है? नीचे उतारो मैं कह रहा हूँ तुमसे। क्या हुआ असजद? हुआ ये है कि इस हालत में तुम्हें इस बच्चे का इतना वजन नहीं उठाना चाहिए, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? सॉरी उसने कपड़े खराब कर लिए थे, मैं उसे चेंज करा के उसके रूम में छोड़ने जा रही थी। प्लीज स्टॉप गिविंग मी दीज लेम एक्सक्यूजेस।
और ये रिहाना, रिहाना, रिहाना। जी साहब जी। कहाँ होती हो तुम रिहाना? वो साहब जी। क्या वो साहब जी? जॉब क्या है तुम्हारी? वो जी साहब जी वो। क्या वो साहब जी? जी साहब जी। अच्छा, प्लीज नाराज मत हो। कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे लिए कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन मेरे लिए ये मामला बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट जितना तुम्हारे लिए गुड्डू है। चलो गुड्डू बाबा, अपने कमरे में चलो। क्या हो गया अजद आपको? छोटे से बच्चे पे क्या असर पड़ेगा इस बात का? प्लीज एमन, मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। जिसकी आंखों में सावन झड़ी है, तेरी राहों में कब से खड़ी है। क्या हुआ, नहीं उठा रही क्या फोन? मिला तो रही हूँ अम्मा, देख तो रही है तू। तो वो करना उसे, वो क्या मैसेज, वो मैसेज करना तू? कर तो चुकी भी हूँ मैसेज अम्मा, अगर वो बात करना चाहती तो कर लेती, उसे फिक्र ही नहीं है कि वो रابطہ करे हमसे। तू मिलाती जा, कभी तो उठाएगी। मिला तो रही हूँ। नहीं उठा रही है फोन अम्मा। चल अम्मा चलते हैं, मेरा तो परेशानी से सर घूमे जा रहा है। तू नहीं जानती है जवाब को, मैं जानती हूँ उसे। अगर कुछ गड़बड़ होगी ना तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसे कैसे जा सकते हैं, पता नहीं वो घर पे भी है या नहीं। अच्छा अच्छा चलती हूँ, रुक मैं पर्स लेके आई, गोश्त वाले को भी कहा हुआ था, वो गोश्त का इंतजार कर रहा होगा। मुसीबत, आ रही हूँ आ रही हूँ। जल्दी आ जल्दी। आप प्लीज नाराज मत हो, इस तरह के छोटे मोटे काम तो लड़कियां करती हैं ना घरों में। देखो मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करना चाहता, तुम नहीं जानती हो कि इस मामले में मैं कितना सेंसिटिव हूं। मेरे माँ बाप के मरने के बाद मैं बिल्कुल अकेला था, सारी जिंदगी ना कोई दोस्त रहा ना बहन भाई। इस बच्चे की इंपॉर्टेंस मेरी जिंदगी में क्या है तुम नहीं समझ सकती। मैं समझ सकती हूँ, ये हमारा बच्चा है, सोच भी कैसे लिया कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक बात हकीकत है, तुम्हारी जिंदगी में गुड्डू से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कोई नहीं। असजद, I'm sorry, तुम्हें मेरी बात बहुत बुरी लग रही होगी, लेकिन यही सच है। देखो इमन, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे इस बात पे कोई एतराज नहीं है कि तुम गुड्डू से प्यार करती हो, लेकिन मेरी जिंदगी पर और मेरे आने वाले बच्चे की जिंदगी पर उसका असर पड़े ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, प्लीज। भाई 10 किलो गोश्त तैयार करते हो ना पुटका? हाँ बस ठीक है, मैं भिजवा रही हूँ ड्राइवर को। बशीर, ओ बशीर, चल आजा, देर हो गई है। चल बैठ। आया बीबी जी। चाय पी रहा था ना, कहाँ था, जल्दी निकलवा, देर हो रही है मुझे, चल आजा जल्दी कर। जी रहीन साहब, आएँ ज़रा आपके साथ बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस कैसे होता है यह ज़रा आपको बताते हैं। तीन करोड़? हाँ 3 करोड़। बस अब तू ये समझ कि 3 महीनों के अंदर अंदर 3 का 30 हो जाएगा।
वाकई बेटा तूने धंधा नहीं किया ना कभी, तुझे क्या पता कारोबार क्या होता है और कारोबार के मजे क्या होते हैं। वो तो आपकी बात ठीक है, मगर 3 का 30 बहुत बड़ी रकम है। तेरे लिए होगी ये बड़ी रकम, ये सलीम और अजफर को देख, इनके लिए तो ये रूटीन की बात है। अभी जो बाहर प्राडो खड़ी है ना, बड़ी मस्त गाड़ी है यार, बड़ी मस्त। साल में 2 से 3 बार चेंज करते हैं ये। अच्छा, अगर तू भी 3 का 30 कर लेगा ना तो ऐसी गाड़ियां साल में 4 से 5 बार चेंज कर सकता है तू। 3 करोड़, अरे 3 करोड़ आएंगे कहां से? ये अब तेरा मसला है, 3 करोड़ कर लेगा ना तो तेरी लाइफ बन जाएगी। कुछ करते? मैंने आपसे कह दिया, अभी दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं जवाब के हवाले नहीं करूंगी गुड्डू को, वो मेरा बेटा है। तेरा बेटा कहां से हो गया? पैदा तो उसे मैंने किया। पैदा किया? अब तो पैदा ही नहीं करना चाहती थी, खून कर देना चाहती थी, उसे खत्म कर देना चाहती थी। मैंने रोका आपको और फिर क्या किया आपने, यतीम खाने भेज दिया उस बच्चे को। मैं लेकर आई वापस, दिन रात उसे मां से ज्यादा प्यार किया मैंने। आपने पैदा जरूर किया है लेकिन असल मां मैं हूं उसकी, और मैं अपने बेटे को किसी के हवाले नहीं करूंगी। देख हेमन, तू मेरी जिंदगी के साथ खेल रही है, बर्बाद कर रही है तू मुझे। सारी जिंदगी सिवाय परेशानी के दिया क्या है तूने मुझे? देखे तो से कितनी खुदगर्जी का मुजाहरा कर रही है ये। आपी, ये आप कह रही है? मैं खुदगर्जी का मुजाहरा कर रही हूं? मैंने सारी जिंदगी आपसे कहा ही क्या है? शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की बात करते हुए। अरे क्या हो गया है, क्यों लड़ रही आपस में तुम लोग? और तू ऐसे बात करते भाभी से, बड़ी बहन से इस तरह बोलते हैं? तू तो ऐसी नहीं थी, आप ही है तेरी माँ। अभी मुझे समझा रही है, इन्हें क्यों नहीं कुछ कहती? मैंने आज तक आप लोगों से इस तरह से बात नहीं की, लेकिन आज तो हद ही हो गई। मैं आज भी कुछ ना कहती लेकिन आप लोगों ने तो जुल्म की हद ही कर दी है माँ। मैं गुड्डू को कैसे उसके हवाले कर दूं, मेरा बेटा है वो, मैंने अपने बच्चों से ज्यादा प्यार किया है उसे। लेकिन ये क्या करे, मजबूर है ये भी, वो आया था जवाब मांगने के लिए, इसके घर का सवाल। मैं किसी की कोई मजबूरी नहीं समझ सकती, मेरा बेटा है वो, मैं किसी के हवाले नहीं करूंगी, आपसे कह दिया मैंने। खुदा के लिए इसकी जिंदगी के बारे में सोच, इसका क्या होगा? बस अम्मा, मैंने कह दिया वो मेरा बेटा है, मेरे साथ ही रहेगा हमेशा। तबाह हो जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी मैं। हाथ जोड़ के, खुदा के लिए, खुदा के लिए गुड्डू को दे दे जवाब को वापस, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर अख्तर को पता चल गया ना कि गुड्डू मेरा बेटा है तो कयामत आ जाएगी। हाथ जोड़ती हूँ मैं आप लोगों के आगे, खुदा के लिए बस कर दे, क्यों मेरा घर भी डिस्टर्ब करने पे तुले है? तेरा तो घर डिस्टर्ब हो रहा है ना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। कुछ भी हो जाए आप ही, मैं अपने बेटे को किसी के हवाले नहीं करूंगी, और यही मेरा आखिरी फैसला है। कठोर हो गई, ऐसी तो नहीं थी ये। या अल्लाह, अम्मा, अम्मा, जिसकी आंखों में सावन छड़ी है, जिसकी आंखों में सावन छड़ी है। इस प्रॉब्लम का एक ही हल है। क्या हल है इसका? यही कि मैं अपने बेटे को किसी और के हवाले कर दूं। प्लीज, क्या हो गया तुम्हें? तुम शायद भूल रही होगी, तुम गुड्डू की सगी माँ नहीं, जवाद उसका सगा बाप है। तू किसी भी तरह अपनी बहन के इस पे साइन करवा, उसी के नाम है ना सारी प्रॉपर्टी। यही तो मसला है, वरना मैं खुद ना साइन कर देता। कोई बात, तू एक बार साइन करवा दे, बाकी सारा काम मेरा है। देखो, पहली और आखिरी बार तुम्हारे शौहर से दर्जी बन के बात कर रहा हूँ, अगली बार फोन करूंगा ना,
तो सारी की सारी तफसील बता दूंगा उसे। जिसकी आंखों